मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आई हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो आपको करना है लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। दोस्तों, आज मैं आपको भुट्टे को सेकने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। भुट्टे आप देख रहे हैं, ये जो हम लोग मार्केट से लाए हैं स्वीट कॉर्न वाले हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं स्वीट कॉर्न और इन्हें खाने में बड़ा मज़ा आता है, परंतु इसे सेकना थोड़ा सा कठिन है। पर आज मैं आपको जो सेकने का तरीका बता रही हूँ, आप उस तरीके से एक बार सेकें तो आप हमेशा उसी तरीके से भुट्टे को सेक कर खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने भुट्टी के छिलकों को थोड़ा सा अलग अलग कर लिया है, निकाला नहीं है दोस्तों, बस नीचे तक के खींच कर ले आई हूँ। और भुट्टे के जो रेशे हैं, फाइबर हैं, उन्हें मैं ज़रूर अलग कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से दोनों भुट्टे को हमें तैयार करना है। कुछ सूखे मसाले लिए हैं मैंने यहाँ पर मैंने लाल मिर्च लिया है, चाट मसाला लिया है, नमक लिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर लिया है और साथ ही बटर लिया है। बस इसी तरह से दूसरे भुट्टे को भी मैं कर लूँगी। इसकी जो पूरी पत्तियाँ हैं बाहर की, उन्हें नीचे तक के मैं ले आई हूँ और जो भी रेशे हैं, उनके बाल हैं भुट्टे के, उन्हें मैं निकाल कर अलग करती जा रही हूँ और भुट्टे को बिल्कुल ही साफ़ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कुकर रखा है, कुकर में मैं डाल रही हूँ नमक। ये वही नमक है दोस्तों जिसे मैं ज़्यादातर बेकिंग में यूज़ करती हूँ। मूंगफली सेकने में, चना सेकने में मैंने इसी नमक का यूज़ किया। कभी भी नमक को हमें फेंकना नहीं चाहिए। यूज़ करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो किसी भी डब्बे में भरकर आप इस नमक को रख लें। तो बस मैंने एक स्टैंड लगा दिया है उसके ऊपर और चारों मसाले को मिक्स करें, नमक, लाल मिर्ची, चाट मसाला, जीरा पाउडर, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और बटर को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया है ताकि सभी मसाले उसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो एक बड़े चम्मच भर के मैंने बटर लिया है और ये हमारा मैरिनेशन तैयार है। अब हम भुट्टे को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे दोस्तों। यदि आपको गार्लिक पसंद है तो आप एक गार्लिक का क्लोव्स भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्ची भी गार्लिक के साथ आप मिक्स करके डाल सकते हैं। तो कई बार मैं गार्लिक, हरा धनिया और हरी मिर्ची को मिक्स कर लेती हूँ और उसका पेस्ट बना के भी इसमें मिक्स करती हूँ, परंतु बहुत से लोगों को गार्लिक पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने आज गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। तो ये जो हमने मिक्सर बनाया है लगा दिया है और भुट्टे की सभी पत्तियों को आप देख रहे हैं हल्के हल्के से मैं चिपका रही हूँ। कुछ पत्तियों को, बाहर की पत्तियों को मैंने अलग कर दिया है और दो से तीन लेयर की पत्तियों को मैंने उसमें बिल्कुल वैसे ही चिपका दिया, जिससे कि ये जो हमने मैरिनेशन तैयार किया है ये बिल्कुल भुट्टे पर चिपका रहे और जब हम इसे सेकें तो इसके जो मैरिनेशन का जो मिक्सर है उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आए और वो दानों के अंदर तक चला जाए। अब ये जो दूसरा भुट्टा है दोस्तों, उसमें भी मैं ये जो मैरिनेशन की चीज बनाई हूं, मिक्सचर बनाई हूं मैरिनेशन का, उसे लगा रही हूं और चारों तरफ खूब अच्छी तरह से हम इसे लगाएंगे। पर यदि आपकी इच्छा है तो मेरे कहने से एक बार आप हरी मिर्ची, लहसुन और हरे धनिए को कूट कर उसका मिक्सचर भी इसमें ऐड करें और उसे भी लगा कर देखें, उससे भी बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों, दूसरे भुट्टे की भी पत्तियों को मैंने चिपका दिया है और ये हमारे दोनों मैरिनेट किए हुए भुट्टे तैयार हैं जिन्हें अब हमें रोस्ट करना है। तो दो तरीका रोस्ट करने का बता रही हूँ दोस्तों। एक तो कुकर में बता रही हूँ, कुकर के भुट्टे की कुछ पत्तियों को मैंने अलग किया है और बाकी को चिपके रहने दिया है। कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों कुकर में, हमें स्लो फ्लेम पर करना। कुकर गर्म हो गया है उसके बाद मैं गैस की फ्लेम स्लो कर दूंगी, परंतु इधर पे जो हमने इस बर्नर पर जो भुट्टे को रखा उसे डायरेक्ट गैस के चूल्हे पे रख रही हूँ। चूल्हे के नीचे मैंने एक स्टील की प्लेट रख दी दोस्तों, क्योंकि थोड़ा तो किचन गंदा होगा हमारा, क्योंकि भुट्टे के जो पत्तियाँ हैं वो जलेंगी और जलने से उनका जो कच तो थोड़ा सा निकलेगा, परंतु कोई बात नहीं, किचन तो हम फिर से साफ़ कर लेंगे। जो इसे खाने का आनंद है वो आनंद तो हम लें और दूसरों को भी दें। तो बस गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है, हाई नहीं रखी है और स्लो भी नहीं रखी है। अगर स्लो रखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मीडियम फ्लेम पर सेकना है। इसकी पूरी पत्तियाँ जलना शुरू हो चुकी हैं और पत्ती जलने के कारण उसकी जो गर्माहट से जो भुट्टे के दाने सिक रहे हैं दोस्तों, उसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है घर में कि ऐसा लग रहा है कि फटाफट इस भुट्टे को खा लिया जाए। इस तरह से मैं गोल घुमाते हुए, आप देख रहे हैं पहले मैंने साइड का, बीच का हिस्सा, हर हिस्से को मैं कवर करती जा रही हूँ और बिल्कुल भी गर्म नहीं लगता है, क्योंकि भुट्टे की थोड़ी सी डंडियाँ होती हैं तो उसे हम पकड़ के आसानी से रोस्ट कर सकते हैं। इस साइड का हिस्सा थोड़ा कच्चा लग रहा है तो उसे मैंने टर्न कर दिया है और गैस की फ्लेम अब स्लो कर दी है।
कुकर वाले भुट्टे के हालचाल देखते हैं दोस्तों, 10 मिनट से ऊपर हो गए, 10 से 12 मिनट के बाद आप देख रहे हैं इस भुट्टे की कुछ पत्तियां मैंने अलग कर दी थी, कुछ को चिपका दिया था। ये भी भुट्टा हमारा पकने आया है, परंतु फिर भी कुकर वाले भुट्टे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बजाय जो हम डायरेक्ट गैस के बर्नर पर रोस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका पत्तियों का काला कचरा तो निकला है दोस्तों। और इसलिए हमने गैस के चूल्हे के नीचे प्लेट रखी है ताकि पूरा कचरा उस प्लेट में आ जाए और हमें बहुत ज़्यादा साफ़ करना ना पड़े। पीछे का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है रोस्ट होने में, इसलिए मैं उसे अलग से रोस्ट कर रही हूँ। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि खूब अच्छी तरह से डायरेक्ट वाला जो जो डायरेक्ट फ्लेम पर पक रहा है वो भुट्टा सिक चुका है। तो चलिए अब इस भुट्टे को हम देखते हैं कि इसमें अब हमें क्या क्या करना है। तो नीचे की थोड़ी जो पत्तियां बची थी उन्हें अलग कर दिया, बाकी पत्तियां तो जलकर ख़त्म हो चुकी हैं और उनके पत्तियों के साथ जो रोस्ट किया दोस्तों उसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप रोस्ट करेंगे तब आपको उसका एहसास होगा। आधा नींबू लिया है और साथ ही मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है। तो नींबू में मैं चाट मसाले को मिलाती जा रही हूँ और पूरे भुट्टे में मैं पूरी उसके लंबाई में लगाती जा रही हूँ। इस समय दोस्तों यदि आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी लगा सकते हैं, बटर ये देखिए मैंने थोड़ा सा बटर या देसी घी भी लगा सकते हैं दोस्तों, घी से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरे बच्चों को घी के साथ ही ये भुट्टा बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गर्मा गर्म भुट्टा तैयार है दोस्तों, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, 10 से 12 मिनट हमें लगे हैं इसे सेकने में, कुकर वाले भुट्टे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। तो बस अब ये भी हो गया होगा, 15 मिनट करीब करीब हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं इसे आपको खोलकर दिखा रही हूँ, ये भी भुट्टा हमारा करीब करीब पकना आया है और इसकी पत्तियों को हमने अभी पूरा अलग क्यों नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि जो मैरिनेशन है वो उससे चिपका रहे, इसलिए मैंने इसकी पत्तियों को अलग नहीं किया था। मैंने सभी बातों का ध्यान रखा है, किसी भी प्रकार की चीज़ों से ऐसा नहीं कि भुट्टे की न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़त्म हो जाए, इन सब चीज़ों का मैं पूरे समय ध्यान रखते हुए ही मैं इसे रोस्ट करना बता रही हूँ। बस अब आधा नींबू का रस अच्छी तरह से हम इसमें निचोड़ दें क्योंकि इसके साथ थोड़ा नींबू खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत से लोग इस समय अमचूर पाउडर भी मिक्स करते हैं उस मसाले में, परंतु अमचूर पाउडर की जगह यदि हम फ्रेश लाइम डालें इसमें तब तो इसे खाने में और भी मज़ा आता है। तो दोनों तरीके से आज मैंने आपको भुट्टे को सेकना बताया है, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो करें, परंतु मुझे जो डायरेक्ट गैस के बर्नर पर सेका गया भुट्टा है उसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये तरीके हैं दोस्तों भुट्टे को रोस्ट करने का, और रोस्ट करके आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करें। और दोस्तों ये तरीका था मेरे भुट्टे को रोस्ट करने का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।